हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे स्टूडियो के नाम में। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, SCERT की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर स्टडी सेंटर की जो लिस्ट जो है वो जारी कर दी गई है। दोस्तों, यहाँ पे हर डिस्ट्रिक्ट की जो स्टडी सेंटर की जो लिस्ट है वो आ गई हुई है। जैसा कि कल बताया जा रहा था कि 22-12-17 तक शाम 7 बजे तक का लोड कर दिया गया, लेकिन किसी टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण नहीं हो सका। तो दोस्तों, आज ये अध्ययन केंद्र की तरफ से जारी कर दी गई। यहाँ आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हर स्टडी सेंटर जो मतलब हर डिस्ट्रिक्ट के लिए स्टडी सेंटर बनाए जा चुके हैं। जैसा कि जिला रायपुर के लिए भी आ चुकी है, बलरामपुर, बस्तर, बेमेतरा, यहाँ पर आप सब देख रहे हैं। जितने भी डिस्ट्रिक्ट जो की हैं स्टडी सेंटर की लिस्ट वो आ गई है, और यहाँ पे वो सभी अपने डिस्ट्रिक्ट वाइज स्टडी सेंटर देख सकते हैं दोस्तों। लेकिन अभी कुछ जो डिस्ट्रिक्ट की स्टडी सेंटर की लिस्ट नहीं आई है वो थोड़ी देर में ही लोड कर दी जाएगी, अपलोड होती रहेगी धीरे धीरे। तो जैसे दोस्तों, अगर हम बात करते हैं रायपुर डिस्ट्रिक्ट की, तो अगर रायपुर डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर हम देख रहे हैं स्क्रीन पर कि जो यहाँ पे रायपुर, यहाँ पे नेम ऑफ स्टडी सेंटर, ब्लॉक, प्लेस ऑफ एड्रेस और सेंटर इंचार्ज कौन है, कौन बनेगा वहाँ पे, क्या होगा। तो देखिए, जैसे कि ब्लॉक जो तिल्टा ब्लॉक है, वहाँ पे तिल्टा ब्लॉक में केवल 4 ही स्टडी सेंटर बनाए गए हैं। देख पा रहे हैं स्क्रीन पे आप, जैसे कि BNB गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल नेवरा, ये देखिए प्लेस ऑफ एड्रेस है BNB गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल नेवरा, सेंटर इंचार्ज हैं सुभाष चंद शर्मा जी, और क्या कहते हैं इनका मोबाइल नंबर जो है ये दिया हुआ है, ईमेल एड्रेस भी दिया हुआ है। तो दोस्तों, जैसे देख पा रहे हैं कि ब्लॉक जो है, ब्लॉक में तिल्टा ब्लॉक में केवल 4 स्टडी सेंटर बनाए गए हैं, और एक स्टडी सेंटर पे अधिकतम जो अनट्रेंड टीचर्स होंगे वो 100 ही होंगे। मतलब तो दोस्तों, जल्द से जल्द अगर जो आपको नियरेस्ट लगता है, जो सबके पास में है, आप उस स्टडी सेंटर पे जा सकते हैं। तो एक स्टडी सेंटर पे केवल 100 ही लोग होंगे, 100 अनट्रेंड टीचर्स होंगे। दोस्तों, जो इससे पहली वीडियो में मैंने बताया कि आपको स्टडी सेंटर पर जाने से पहले आपको टीचर वेरिफिकेशन फॉर्म जो है फिल करना होगा, और फिल करके आपको स्टडी सेंटर पे जमा करना होगा। जब आप वो फॉर्म फिल करके जमा कर देंगे तभी आपका एडमिशन स्टडी सेंटर पे पक्का हो जाएगा, तो ये माना जाएगा आपका स्टडी सेंटर पे एडमिशन। दोस्तों, केवल जल्दी से जल्द करें, आपके पास 4 दिन का टाइम है, और तो 4 दिन नहीं, सॉरी, अब तो 3 ही दिन बचे हुए हैं। आप क्या कहते हैं, जल्दी से जल्दी जाके फॉर्म फिल करके स्टडी सेंटर पे अपना एडमिशन लेने, तो नहीं तो अगर 100 से ज़्यादा अगर हो गए तो शायद एडमिशन आपको नहीं मिल सकता है, प्रॉब्लम आ सकती है यूनिवर्सिटी स्टडी सेंटर लेने में। तो आप इस प्रकार देख सकते हैं हर ब्लॉक में, जैसे देख रहे हैं कि हर ब्लॉक में कहते कहीं 5 स्टडी सेंटर, कहीं 6, तो कहीं 7, कहीं 10, कहीं ऐसे, इस प्रकार से कहते स्टडी सेंटर बनाए गए हैं, और सब स्टडी सेंटर इंचार्ज के नाम दिए गए, उनके मोबाइल नंबर दिए हैं, कोई प्रॉब्लम हुआ तो आप उनसे फ़ोन करके भी पता कर सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, इस प्रकार क्या कहते हैं, और भी डिस्ट्रिक्ट की जो स्टडी सेंटर जो हैं वो आते रहेंगे। दोस्तों, अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगे उसको लाइक कीजिए, और दोस्तों शेयर करना मत भूलिए, जिससे दूसरों की भी हेल्प हो सके। और दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।